नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार एकादशी तिथि आज पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दिन में 1:30 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, बलवान, सात्विक, धनी और साहसी होते हैं। ये अत्यधिक संवेदनशील, दार्शनिक, धर्मनिरपेक्ष और शांत प्रेमी होते हैं। सोच विचार कर काम करने वाले, स्वतंत्र और मौलिक विचारधारा के होते हैं। ऐसे जातक उन्नतिगामी, विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले और समाज में गौरव के प्रतीक होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शनि और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज मीन राशि में चलते रहेंगे। बुध अब अपनी नीच राशि से निकलकर मेष राशि में आ चुके हैं। उच्च के सूर्य के साथ इनकी युति कुछ दिनों तक चलती रहेगी। प्रत्येक जातक पर इनका मिला जुला प्रभाव स्वयं के अपने कारकों के अनुसार मिलता जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए विश्लेषण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सामंजस्य बिठाने की क्षमता में विकास होगा। प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात और सरकारी कामकाज से लाभ की स्थिति बनी रहेगी। कामकाज में प्रगति के अवसर मिलेंगे और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। मगर त्वचा से संबंधित संक्रमण और हड्डी से संबंधित समस्याओं का संकेत मिलता है। निजी संबंधों में सुधार और पारिवारिक माहौल में हर्ष की स्थिति बनी रहेगी। वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। प्रयास जारी रखें। वृष राशि के जातकों के लिए चली आ रही अड़चनें समाप्त होंगी। कार्य योजनाओं का विस्तार होगा। मित्र व सहोदरों से आशा अनुरूप सहयोग मिलता जाएगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। धन संबंधी मामलों में खर्च की स्थिति बनी रहेगी। अपने निजी संसाधनों और संतान संबंधी दायित्व पर खर्च का संकेत मिलता है। आपके प्रयासों में कार्यशैली और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य और बुध की युति आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और मानसिक स्तर पर अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। सरकारी कामकाज में लाभ मिलेगा और व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता के संकेत मिलते हैं, मगर स्वास्थ्य संबंधी कुछ बिंदुओं पर सावधानी रखनी चाहिए और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और विभागीय मामलों में विकास का संकेत मिलता है। अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा लाभ दिलाएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अतिरिक्त कार्यभार को बखूबी निभाने में सफल रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और अतिरिक्त लाभ के नए रास्ते दिखाई पड़ेंगे। निजी रिश्तों में तनाव संभावित है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी और विकास का मौका मिलेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे और साझेदारी सफल रहेगी। सरकारी कामकाज में रुचि बढ़ेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों की प्रेरणा बनी रहेगी। मगर दोपहर बाद कुछ कामों में रुकावट का संकेत मिलता है और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी बरतें और खान पान संयमित रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। सकारात्मक प्रयास जारी रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी रहेगी और विकास के नए मार्गों का सृजन होगा। आपका दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति हर काम को सरल बनाने में सक्षम होगी।
आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक मामलों में सफलता का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं। आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, प्रयास जारी रखें। तुला राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चनें खत्म होंगी और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी और विकास के नए मार्ग खुलेंगे। गुरु मंगल और सूर्य का केंद्र में होना चतुर्दिक विकास का संकेत देता है, मगर दोपहर बाद नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव संभावित है और कार्य क्षमता प्रभावित होगी, मगर आर्थिक लाभ के अवसर मिलते जाएंगे। पारिवारिक प्रेरणा का लाभ मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, सफलता संभावित है, प्रयास जारी रखें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कर्तव्य निष्ठा बनी रहेगी, मगर मन मुताबिक काम होने का प्रतिशत कम रहेगा। आपके सहयोगी ग्रहों बृहस्पति मंगल और सूर्य का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी, मगर परिश्रम की प्रवृत्ति बनाए रखें। मन के नकारात्मक विचारों को दूर रखें। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। साझेदारी के मामलों में सहयोग मिलेगा। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। धनु राशि के जातकों को मेहनत और संघर्ष करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी। वाणी की प्रखरता में वृद्धि होगी और स्वाभाविक रूप से पेश आने का तरीका बदलेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलते जाएंगे और साझेदारी के कामों में भी लाभ संभव है, मगर दोपहर के बाद कुछ मानसिक दबाव महसूस होगा और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आय संबंधी संसाधनों की पूर्ति में धन की आवश्यकता महसूस होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों का आंतरिक ऊर्जा स्तर बढ़ा हुआ रहेगा और हर काम में अनुशासनशीलता और प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति परिलक्षित होगी। कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रहेगा और नए अनुभव के साथ नए अनुबंधों को लागू करने में सफल रहेंगे। भाग्यवश काम पूरे होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ की निरंतरता बनी रहेगी, मगर खर्च की स्थिति भी संभावित है। संतान संबंधी कार्य पूरे होंगे और पारिवारिक माहौल खुशनुमा महसूस होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कुंभ राशि के जातकों के भाग्यवश काम अच्छे होंगे और अचानक धन लाभ की संभावना बनती है। वाहन जमीन इत्यादि निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। व्यवसाय संबंधी मामलों में यात्रा का योग बनता है, मगर विवाद और कार्य योजनाओं में अचानक बाधा संभावित है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाद विवाद उचित नहीं होगा। साजिश से सावधानी अपेक्षित है। किसी उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, सकारात्मक प्रयास जारी रखें। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक सहयोग बना रहेगा और लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनाए रखने में सफल रहेंगे, मगर धैर्य और संयम से व्यावसायिक उन्नति के प्रयास करते जाएं। आगे आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। पारिवारिक सहयोग से धन लाभ में वृद्धि होगी, मगर नकारात्मक विचारों से दूर रहें। परिवारजनों से गलतफहमियां धीरे धीरे दूर होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।